पीएम मोदी ने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया। केंद्रीय मंत्रियों को उनका विभाग मिल गया। अमित शाह को गृह मंत्रालय, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय, वहीं नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय मिला है। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय, ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। जीतनराम मांझी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया है। चिराग पासवान को खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है। गिरिराज सिंह की बात करें तो कपड़ा मंत्रालय इनको दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है। नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। रामनाथ ठाकुर कृषि राज्य मंत्री बने हैं। सतीश चंद्र दुबे कोयला एवं खनन राज्य मंत्री बने हैं। राजभूषण चौधरी जल शक्ति राज्य मंत्री बने हैं। संजय सेठ को रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। तो देखिए, अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया गया है और गृह मंत्रालय से पहले भी अमित शाह के पास रहा, तो कई ऐसे विभाग हैं जो विभाग पुराने चेहरों को ही दिया गया है। रक्षा मंत्रालय एक बार फिर से राजनाथ सिंह के पास ही है और एस जयशंकर विदेश मंत्रालय एक बार फिर से वो संभालेंगे। दूसरे कार्यकाल में भी इस मंत्रालय को संभाल रहे थे। वित्त मंत्रालय एक बार फिर से निर्मला सीतारमण के ही पास है। वहीं सड़क और परिवहन मंत्रालय की बात करें तो नितिन गडकरी एक बार फिर से इस मंत्रालय को संभालेंगे। इसके साथ साथ गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मंत्रालय इस बार दिया गया है। तो ये वो चेहरे हैं जिनको विभाग दिए गए हैं और चिराग पासवान की अगर बात करें तो उनको भी मंत्रालय जो है वो दिया गया है। तो कई ऐसे चेहरे हैं बिहार से जिनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी गई है, तो कई को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान मंत्रालय दिया गया है और शिवराज सिंह को इस बार जगह शिक्षा मंत्रालय की अगर बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान इस बार शिक्षा मंत्रालय संभालेंगे। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री का जो अहम मंत्रालय है जेपी नड्डा, इसको संभालेंगे। जेपी नड्डा को इस बार मोदी कैबिनेट में जगह। पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री इस बार बनाया गया। इसके साथ साथ अश्विनी वैष्णव की अगर बात करें तो रेल मंत्रालय ये संभालेंगे, इनके पास रेल मंत्रालय रहेगा। ललन सिंह की अगर बात करें तो पंचायती राज मंत्री बने हैं ललन सिंह, तो बिहार के भी कई चेहरे कैबिनेट में शामिल हैं। नित्यानंद राय की अगर बात करें तो एक बार फिर से गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। रामनाथ ठाकुर कृषि राज्य मंत्री बनाए गए हैं, तो रामनाथ ठाकुर राज्य मंत्री बने हैं, कृषि राज्य मंत्री बने हैं। इसके साथ संजय सेठ की अगर बात करें तो रक्षा राज्य मंत्री इनको बनाया गया है। तो विभागों का, मंत्रालयों का बंटवारा जो है वो हो चुका है। सतीश चंद्र दुबे की अगर बात करें तो इनको कोयला एवं खनन राज्य मंत्री बनाया गया है। तो मोदी कैबिनेट में इस तरीके से हिस्सेदारी इन चेहरों की होगी। राजभूषण चौधरी को जल शक्ति राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके साथ मनसुख मांडविया की बात करें तो श्रम मंत्री इस बार बने हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी ये संभालेंगे। इसके साथ किरेन रिजिजू की अगर बात करें तो इनको संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्रालय कैबिनेट में संभालेंगे। भूपेंद्र यादव के बाद से जो दूसरा चेहरा है वो जी किशन रेड्डी का है, जो कोयला एवं खनन मंत्रालय को संभालेंगे। तो मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। घरों में टॉयलेट, एलपीजी कनेक्शन और बिजली की सुविधा होगी। मोदी की नई कैबिनेट की बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। बैठक में 30 कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे।